नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर्स में। दोस्तों JPSC ने या कह सकते हैं सरकार ने फॉर्म को लेके यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र थे, आवासीय प्रमाण पत्र, उनको लेके बहुत बड़ी राहत दी है और अभ्यर्थी काफ़ी कंफ्यूज थे, लगातार मैसेजेस आ रहे थे। क्योंकि जो विज्ञापन में जो लिखा हुआ था डेट, कि विज्ञापन के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें ये कहा जा रहा था, यह ऐसा समझ ऐसा जो इंटरप्रीट किया जा रहा था कि 25/2/2019 के बाद के ही सर्टिफिकेट मान्य होंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं भी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया था। लेकिन अब सब कुछ क्लैरिफाई हो गया है, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो है लोगों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। लेकिन आपको एक और सूचना दे दें कि हमारा पेपर टू का आज जो है टेस्ट है 18 फरवरी, ये देखिए शेड्यूल में चल रहा है 18 फरवरी को, ये शेड्यूल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट है JPSC के लिए, यानी JPSC का दंगल शुरू है आपके अपने ऑनलाइन नंबर वन टेस्ट सीरीज। ठीक है, दो तरह का प्लान है, आप लोगों सबको पता होगा, जो नहीं पता हो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो मैं उनको बता दूं, उसमें दो तरह का प्लान है, एक कॉम्बो पैक है, एक मास्टर टेस्ट सीरीज पैक है। कॉम्बो पैक में टोटल आपको 80 सेट मिलेंगे, 50 सेक्शनल जो कि सब्जेक्ट वाइज हैं, और 30 फुल लेंथ जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और उसका शेड्यूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आपको पेपर अपलोड होगा, आप कभी भी जो है आप लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज, समय सीमा का कोई बाउंडेशन नहीं है। पेपर अपलोड होने के बाद आप कभी भी लगाएंगे, आपको रैंक, अपना पूरा जो है रिव्यू, आपका रैंक वाला वारंटी क्या है, सब कुछ दिखाई देगा। और ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर वन पेपर टू 399 रुपये में। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और सबसे पहले आप जो एग्जाम फाइटर प्ले स्टोर में जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, ये हमारा लोगो है और ये शेड्यूल है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देके अपनी जो है क्षमता को मापिए कि आपको कितनी तैयारी की जरूरत है। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, बुक लिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन सब कुछ दिया हुआ है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या राहत मिला है सरकार के तरफ से अभ्यर्थियों को। तो देखिए, ये नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे पहली बात कि 25/2/2019, एकदम सिंपल में समझिएगा शॉर्ट में, कि 2019 के पहले का जो भी अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो मान्य होगा, आइदर वो SDO लेवल से हो, मंडल पदाधिकारी या उपायुक्त द्वारा। ठीक है, पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी प्रपत्र निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत है, जो छात्र इसको लेके बहुत परेशान थे या उनको दौड़ लगाना पड़ता है, ऐसा डर लग रहा था कि शायद नहीं बनेगा, तो अब पुराना वाला भी मान्य कर दिया गया है। 25/2/2019 के पहले वाला भी अगर आपका SDO या उपायुक्त द्वारा बना हुआ है तो मान्य है। CO लेवल का जो छात्र हैं उनका भी मान्य है, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2019 के बाद जिनका बना है CO स्तर पे उनका भी मान्य है, अंचल अधिकारी स्तर से उनका भी मान्य, ऐसा नहीं कि उनका मान्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको एक शॉर्ट में समझाते हैं, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिनका देखिए OBC में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, तो आपका क्रीमी लेयर का जब भी सर्टिफिकेट बना है ये पूरा जो है इसी पे है, जो शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा हो, कि OBC अगर आप क्रीमी लेयर में है, नॉन क्रीमी लेयर में है तो आपको जो है अगर उसका वैलिडिटी जब आपने बनाया है उसके एक साल के बाद का अगर है तो आपको जो है एक स्वघोषणा पत्र आपको देना होगा। ठीक है, स्वघोषणा पत्र का एक देना होगा, वो मेंस के समय होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो मेंस के समय होगा या फिर इंटरव्यू के समय मांगा जाएगा। ठीक है, दो तरह का होते हैं, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, तो उसकी वैधता एक साल की होती है। ठीक है, देखिए एक वर्ष के लिए होती है, दिखा दिया गया है क्रीमी लेयर रहित यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, रहित का मतलब क्रीमी लेयर, रहित का मतलब नॉन क्रीमी लेयर, प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होती है। तो अगर आपका एक्सपायर कर गया है तो आपको नया बनाना ही होगा, नया नहीं बनाना होगा तो आपको एक घोषणा पत्र भी जो है अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो घोषणा पत्र भी, स्वघोषणा पत्र आपको जो है दे दिया जाएगा। स्वघोषणा पत्र के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कौन सा फॉर्मेट है, मैं आपको बता दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बाद में स्वघोषणा पत्र आपको देना है। और EWS तो आपको पता है कि 2019 के बाद ही बन रहा है, उसकी वैलिडिटी एक साल होती है, तो उसको भी जो है अगर आपका एक्सपायर कर गया हो तो नया बनवा ही लीजिएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा किसी भी तरह का, फिलहाल सारे JPSC ने जो है झमेले खत्म कर दिए हैं और मेरे हिसाब से ये सरकार का बहुत ही वेलकम स्टेप है कि लड़के परेशान होते सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, उनके लिए जो है रास्ता सरकार ने खोल दिया है। 2019 के पहले वाले भी जो है मान्य होंगे, तब आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, 2 मई को ही एग्जाम होगा, अभी तक ऐसा शेड्यूल है। अगर कोई परिवर्तन होता है तो आप लोगों को 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले सूचित कर दिया जाएगा हमारे YouTube चैनल से, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। पढ़ाई करिए, जब के पढ़ाई करिए, रात में 9 बजे प्रतिदिन जो हमारे YouTube चैनल पे झारखंड का स्पेशल क्लास आ रहा है वो जरूर देखिए आप लोग, मेंस के हिसाब से बनाया गया है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, जबरदस्त क्लास आप एक बार देखिए फिर आप जो है रिव्यू दीजिएगा, नोट्स खुद से बनाइए और उसके फ्री ऑफ टेस्ट मॉक हमारे एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर, ये हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर,
आप इस पे जो है ये डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री एमसीक्यू, अगले दिन सुबह उसका वीडियो का मिल जाता है। और टेस्ट सीरीज में इनरोल होने के लिए हमारा नंबर है, आप जो है टेस्ट सीरीज में इनरोल होइए और झारखंड के नंबर वन टेस्ट सीरीज में इनरोल होकर आप अपनी क्षमता को नापिए कि आपकी पोजीशन अभी क्या है। रिव्यू के लिए भी बता दिया गया है, एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल देता हूं कि आपको रिव्यू अपने एप्लीकेशन पे खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका रैंक आपने जब दिया है तो उस समय आपकी रैंक क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं लगा सकते तो वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज को। समय सीमा की कोई बाउंडेशन नहीं है, दिन का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो सभी छात्रों के लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ है, आप लोग तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट।